पंजाब की मोहब्बत डाल दी आपने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर से हम आज अपने ही बिल्डिंग का एक वीडियो शूट कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते होंगे दो फूड स्टॉल्स लगे हैं, एक है पानीपुरी का और दूसरा है सोया चाप का। पानीपुरी तो हर कोई जानता है लेकिन सोया चाप बहुत कम लोग जानते होंगे। जो वेजिटेरियन खाना खाते हैं वो ज़रूर सोया चाप को जानते होंगे, क्योंकि वो भी वेजिटेरियन लोगों के लिए एक चिकन जैसा ही, बोलते ना चिकन ही है उनके लिए वो। लेकिन नॉन वेजिटेरियन लोगों को सोया चाप के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है। और आज हमारे बिल्डिंग में दो आउटलेट लग गए हैं, एक है पानीपुरी का स्टॉल, दूसरा है सोया चाप का स्टॉल। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। और ये स्टॉल दो दिन रहने वाला है, सैटरडे और संडे, और सुबह 11 बजे से शाम 10-11 बजे तक रहेगा, कल भी जाने के लिए संडे के दिन भी। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं सोया चाप। पानीपुरी तो खाते ही रहते हैं लेकिन ये भी 6 फ्लेवर वाली राजस्थानी पानीपुरी है, तो आज इसको भी टेस्ट करेंगे। ये स्पेशल सोया चाप भैया ने दिल्ली से मंगाया है, पाजी ने। देखिए किस तरीके से सोया चाप के अलग अलग फ्लेवर्स ऐड कर रहे हैं। पाजी कौन कौन से फ्लेवर अवेलेबल है अपने पास? अपने पास मसाला है, मलाई है, पेरी पेरी है, स्पेशल रेशमी है, स्पेशल चटपटी है, लहसुनी है, अचारी है, पुदीना है, अफगानी है। और ये आपका आउटलेट कैसा, आप सोसाइटी से सोसाइटी या कोई ऐसा प्रॉपर? पलावा में है, एक्सपीरियम मॉल है ना जो, हाँ उसके बाजू में अपना आउटलेट है। आउटलेट पलावा में है, तो होम डिलीवरी या बल्क ऑर्डर ले सकते हैं? सब अवेलेबल है, कासा बेला कासा रियो सब आते हैं। तो ये देखिए प्रोडक्ट्स, एवरेस्ट के मसाले और अमूल फ्रेश क्रीम, मतलब क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं पाजी। ये देखिए ये क्या है पाजी, चाप। ये मैं इसका मलाई बनाते हैं, इसका पेरी पेरी भी बनता है। अच्छा, तो देखिए अलग अलग किस्म के सोया चाप अवेलेबल है। वेजिटेरियन लोगों का चिकन माना जाता है चाप, सोया चाप। देखिए अच्छी चीज है। तो ये हमारे दोस्ती एलमोर सोसाइटी के पास ही अवेलेबल है। आज सैटरडे है, आज भी अवेलेबल है 11 बजे तक, और कल सुबह 10 बजे से शाम में 7 या 10 बजे तक वो भी अवेलेबल रहेगा। डिपेंड करता है पाजी का स्टॉक कितना देर लास्ट करता है। और यहाँ पे वही राजस्थानी पानीपुरी भी अवेलेबल है। ये सोया चाप मलाई है, कौन सा है ये? ये स्पेशल रेशमी है। अच्छा, स्पेशल रेशमी सोया चाप है इन द मेकिंग। प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करते हुए पाजी, प्रॉपर एप्रन, इंग्रेडिएंट क्वालिटी वाले। इसके रेट्स क्या है पाजी? इसका 150 रेट है। 150 जी, जी। और स्टार्टिंग रेट्स क्या है आपका? 130 से सर स्टार्टिंग है। 130 से स्टार्टिंग है जी, जी। ओके, तो देखिए ये एलमोर के पास ही है, दोस्ती एलमोर के पास ही ये स्टॉल्स लगे हुए हैं जनरेटर के बाजू में। तो आइए सोया चाप और पानीपुरी का लुफ्त उठाइए। देखिए रेडी हो गया है सोया चाप। मुफ्ती साहब फन फेयर में भी मुफ्ती साहब ने माशाल्लाह हर स्टॉल पे जाके खाए थे और सभी के बिजनेस में योगदान दिया था अपना एक छोटा सा। अब ये भी टेस्ट करके बताते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा है टेस्ट। ये वेजिटेरियन लोगों का चिकन है, मोस्टली लोगों को नहीं पता कि सोया का चाप भी होता है। नॉर्थ साइड में दिल्ली आसाम नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी फेमस है ये। मैं कभी फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ ये, और बहुत अच्छा है, असल मालूम नहीं पड़ रहा कि वो चीज़ है। वेज है, हाँ एकदम चिकन लग रहा है, चिकन लग रहा है। ये लाइफ टेस्टिंग, लाइव टेस्टिंग, लाइव रिव्यू चालू है मुफ्ती साहब का। पाजी
इसका टेस्ट ऐसा है ऐसा, पूरे पंजाब की मोहब्बत डाल दी आपने उसके अंदर। प्यार है बड़े भाई आपको तो प्यार है। प्रॉपर दिल्ली या नॉर्थ ईस्ट में जो सोया चाप मिलता है प्रॉपर, हाँ एक एक इंग्रेडिएंट्स मैच करते हैं, टेस्ट मैच करता है, मज़ा आ रहा है चलो तो खा के ख़त्म। अरे आओ सब भाई। मुफ्ती साहब कैसा लग रहा है? मुफ्ती साहब ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हो आप। बहुत टेस्टी है यार भाई, मुझे फर्स्ट टाइम लाइफ में खाया आपने, और वाकई ऐसा लग रहा है कि इतना लजीज, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना टेस्टी होगा। चिकन लग रहा है कि? हाँ चिकन लग रहा है। मैं फर्स्ट टाइम वही समझा कि मतलब पाजी चिकन खिला रहे, मतलब कुछ होगा खिला रहे हो। ये सोया चाप है पाजी, देखो कितना अच्छा रिव्यू मिला आपको लाइव। जितने भी लोग आए आपको यही बोला है कि आपका सोया चाप बेहतरीन है, और नॉर्थ का टेस्ट और इसका टेस्ट सेम है। तो भाजी बेस्ट ऑफ लक। अभी हमारे बीच में और एक हमारे यूथ है, छोटे युवा रेहान। कैसा लग रहा है सोया चाप बाबू? अच्छा है। टेस्ट कैसा है? बहुत अच्छा। चिकन जैसा लग रहा है? नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है। हाँ तंदूरी जैसा लग रहा है, लेकिन ये वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन, और बहुत ही अच्छे टेस्टी सोया चाप्स पाजी डिलीवर कर रहे हैं कुक करके। मैं अपने तमाम रेसिडेंट से, बाशिंदों से दरख्वास्त और रिक्वेस्ट और विनती करना चाहूँगा, हमारे पाजी यहाँ पर आए हैं और इनका जो आइटम है इनका बहुत टेस्टी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट हूँ कि आप प्लीज़ इनके टेबल पर ज़रूर आएँ। आप जब मैं चूँकि सहारनपुर में पढ़ा हूँ, बॉर्डर है पंजाब का उसके आगे, तो वो जो पंजाब की जो मोहब्बत है इनके खाने में आप फील करोगे इंशाल्लाह। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनके टेबल पर कल ज़रूर आए और पाजी खाना ज़रूर टेस्ट करें। पाजी उम्मीद करूंगा कि आज आपको जैसा रिस्पांस मिला कल उससे ज़्यादा बेहतर रिस्पांस मिले, ताकि आप अपना ये जो डेलिकेसी है सोया चाप की, जो ये आपकी लेगेसी चलते आ रही है, वो और आगे बढ़े, मेरी यही दुआ है। और आपसे मतलब यही कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे बिल्डिंग में आए, और ऐसी चीज़ जो के मुंबई में ऐसा टेस्ट मिलना इम्पॉसिबल है, लेकिन आपने यहाँ पे ऐसी टेस्टी चीज़ लोगों को खिलाई, तो बहुत बहुत शुक्रिया पाजी। उम्मीद करेंगे कल भी लोग आएंगे और आप इसी तरीके से लोगों को डिलीशियस डिशेस खिलाएंगे। थैंक यू।